जब भगवान राम ने किया भगवान शिव से युद्ध। भगवान श्री राम भगवान श्री विष्णु के सातवें अवतार हैं, जो त्रेता युग में अवतरित हुए। भगवान विष्णु के आराध्य देव भगवान शिव शंकर हैं। तब यह प्रश्न उठता है कि राम यानी विष्णु अपने आराध्य देव शिव से युद्ध कैसे कर सकते हैं। लेकिन पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने भोलेनाथ से युद्ध किया था। यह युद्ध श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान लड़ा गया। जब श्री राम द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ का अश्व कई राज्यों को श्री राम की सत्ता के अधीन किए जा रहा था। इसी बीच यज्ञ का अश्व देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान मांगा था। महादेव का परम भक्त होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। ऐसे में अयोध्या और देवपुर में युद्ध होना तय था। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में पाकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित अपने सारे गणों को भेज दिया। एक ओर राम की सेना तो दूसरी ओर शिव की सेना थी। वीरभद्र ने एक त्रिशूल से राम की सेना के भरत के पुत्र पुष्कल का मस्तक शरीर से अलग कर दिया। उधर भृंगी आदि गणों ने भी राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। बाद में हनुमान भी जब नंदी के शिवास्त्र से हारने लगे, तब सभी ने श्री राम को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तुरंत लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त करा दिया। फिर श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जब नंदी और अन्य शिव के गण परास्त होने लगे, तब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है, तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। तब श्री राम और शिव में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद अंत में श्री राम ने पाशुपतास्त्र निकाल कर शिव से कहा, है प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के वध्य स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लें। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, कृपया कर उन्हें जीवन दान दीजिए। महादेव ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को लौटा दिया और श्री राम भी वीरमणि को उनका राज्य सौंपकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर चल दिए।